सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा अफ्रीकी देश रुपे कार्ड जारी करने वाला पहला गैर एशियाई देश बन गया है? ए लाइबेरिया, बी गाम्बिया, सी मॉरिशस, डी जिम्बाब्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मॉरिशस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मॉरिशस भारत की रुपए भुगतान प्रणाली को अपनाने और रुपए कार्ड जारी करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई जाती है? ए 26 अगस्त, बी 27 अगस्त, सी 28 अगस्त, डी 29 अगस्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 26 अगस्त। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हर साल 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म मैसेडोनिया स्थित स्कोपजे की एक कैथोलिक परिवार में वर्ष 1910 में हुआ था। वर्ष 1979 में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, शोधकर्ताओं को मंगल ग्रह की सतह पर कितनी गहराई पर पानी के साक्ष्य मिले हैं? ए 1 से 2 किलोमीटर, बी 5 से 10 किलोमीटर, सी 10 से 20 किलोमीटर, डी 30 से 40 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 10 से 20 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में मंगल ग्रह की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर की गहराई पर पानी के साक्ष्य मिले हैं। बता दें कि इस खोज में चट्टानों के टूटने में फंसे तरल पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए भूकंपीय तरंगों का इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के लिए आपदा संसाधन सूची विकसित करने का कार्य किस संगठन को सौंपा गया था? ए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी भारतीय विद्युत नियामक आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बिजली क्षेत्र के लिए आपदा संसाधन सूची पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया में सुधार करना है। अगला प्रश्न है, 8 साल की यात्रा के बाद जूस अंतरिक्ष मिशन बृहस्पति तक किस वर्ष पहुंचने की उम्मीद है? ए 2026, बी 2029, सी 2031 या डी 2035। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 2031। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जूस मिशन 2023 में लॉन्च किया गया था। यह 8 साल की यात्रा के बाद 2031 तक बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं तक पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा टीका वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस यानी CVDPV की घटना से जुड़ा है? ए निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन, बी ओरल पोलियो वैक्सीन, सी संयुक्त पोलियो और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी ओरल पोलियो वैक्सीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओरल पोलियो वैक्सीन CVDPV की घटना से जुड़ी है, जबकि OPV पोलियो को रोकने में प्रभावी है। यह कभी कभी उत्परिवर्तित हो सकता है और वैक्सीन व्युत्पन्न मामलों का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है, केंद्र की पायलट परियोजना के तहत चयनित उचित मूल्य की दुकानों के लिए नया नाम क्या रखा जा रहा है? ए जन आहार केंद्र, बी जन पोषण केंद्र, सी पोषण भवन, डी पोषण संसाधन केंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जन पोषण केंद्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्र सरकार की पायलट परियोजना के तहत चयनित उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र के रूप में पुनः ब्रांडिंग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मिशन से 2025 में प्रथम भारतीय को अंतरिक्ष में भेजने की उम्मीद है? ए चंद्रयान 4, बी गगनयान मिशन, सी मंगलयान 2, डी आदित्य L1। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गगनयान मिशन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है।
वर्ष 2025 के लिए नियोजित यह मिशन भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानवयुक्त अंतरिक्षयान कार्यक्रम संचालित करने वाला चौथा देश बना देगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने प्रॉम्प्ट पोर्टल विकसित करने में मदद की? ए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, सी राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, डी भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राष्ट्रीय थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल यानी प्रॉम्प्ट को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की सहायता से विकसित किया गया था। इस पोर्टल का उद्देश्य भारत में थर्मल पावर परियोजनाओं की निगरानी और समय पर पूरा करना है। अगला प्रश्न है, सिसली के निकट लग्जरी नौका के डूबने का कारण कौन सी प्राकृतिक घटना थी? ए जलस्तंभ, बी भूकंप, सी सुनामी, डी ज्वालामुखी विस्फोट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए जलस्तंभ। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिसली के पास लग्जरी नौका के डूबने की वजह संभवतः जलस्तंभ है, जो कि पानी के ऊपर एक बवंडर है। जलस्तंभ गर्म पानी के ऊपर बनते हैं और बेहद विनाशकारी हो सकते हैं। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मलेशिया के ओरांगुटान डिप्लोमेसी का प्रस्ताव किससे प्रेरित है? ए चीन की टाइगर डिप्लोमेसी, बी चीन की पांडा डिप्लोमेसी, सी जापान की क्रेन डिप्लोमेसी या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।